दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मनन चतुर्वेदी के समक्ष शिकायत की गई। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष योगेंद्र ने कलेक्टर की शिकायत की। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नोखा रेप का हब बन गया है और जब मैंने बात की तो मुझे ही प्रताड़ना सहनी पड़ी। जब सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष का दर्द इस तरह से है तो कैसे पीड़िताओं को न्याय मिलेगा, ये सवाल है। मनन ने तुरंत कलेक्टर को फोन किया, कहा तुरंत मामले की रिपोर्ट मेल पर भिजवाई जाए। अध्यक्ष का आरोप है कि डीएम कहा कि नोखा रेप का हब बन गया है और जब मैंने बात की तो मुझे ही प्रताड़ना सहनी पड़ी। जब सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष का दर्द इस तरह से है तो कैसे पीड़िताओं को न्याय मिलेगा, ये सवाल है। मनन ने तुरंत कलेक्टर को फोन किया, कहा तुरंत मामले की रिपोर्ट मेल पर भिजवाई जाए। अध्यक्ष का आरोप है कि डीएम ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है जब रेप जैसे मामलों पर इस तरह की लापरवाही सामने आती है। बीकानेर से बड़ी खबर, नोखा में दुष्कर्म के मामले में मनन चतुर्वेदी के सामने शिकायत की गई है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष योगेंद्र ने कलेक्टर के सामने शिकायत की। मैंने उस लेटर में ये लिखा है डेल्टा के केस से लेके सारे छह केस कोर्ट करते हुए कि नोखा जो है वो रेप का हब है, ये लिखा है। अच्छा, डेल्टा का केस भी हुई बात? मैंने डेल्टा से लेके केस लगाया है, मैंने केस लगाया है, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। सर यहाँ पर एक केस आया है धरनो की पुलिस थाना 509 बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। सीडब्ल्यूसी ने आपसे इस बारे में बात भी की थी, आपको पत्र भी लिखा था, उस केस के बारे में क्या हुआ? सर मेरे को यहाँ पे सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन भी साथ है, सभी मीडिया बंदे भी साथ हैं और ये बात आ रही है कि प्रशासन की तरफ से बहुत ही गलत तरीके से डील किया गया, इज इट? और मेरे साथ में है अभी सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन और वो ही कह रहे हैं कि अनाधिकृत रूप से आप इस केस में एंट्री कर रहे हो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो पीड़िताओं को न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मनन ने तुरंत कलेक्टर को फोन लगाया और कहा कि इस मामले में रिपोर्ट मेल पर भिजवाई जाए। अध्यक्ष का आरोप है कि डीएम ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अगर इस तरीके से रेप के मामलों में लापरवाही होती रही तो कैसे पीड़िताओं को न्याय मिलेगा। जब सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष का दर्द इस तरह से है तो कैसे पीड़िताओं को इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ फोन लाइन पर है। लक्ष्मण, अपने आप में हैरान और परेशान करने वाला यह मामला है कि रेप पीड़िताओं को इंसाफ का इंतजार बना रहेगा लेकिन जब सीडब्ल्यूसी का दर्द इस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है तो कैसे उम्मीद की जा सकती है? निश्चित तौर पर ये दर्द जो है सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया है, कोई ऐसा नहीं है। ये बहुत सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बात कही है, सीडब्ल्यूसी के जो अध्यक्ष है योगेंद्र योगी, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा मनन चतुर्वेदी को कि हम किस तरह से बात रखे, हम जब कोई बात रखते हैं। चलिए लक्ष्मण आपके पास लौट रहे हैं, इस वक्त मनन चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनन चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। वाकई ये गंभीर मामला है, पीड़िता जो है वो न्याय के लिए इंसाफ के लिए उम्मीद में है लेकिन इस तरह की लापरवाही जब सामने आ रही तो हम कैसे उम्मीद करें? कलेक्टर साहब से मैंने बात कर ली है, वो अभी हालांकि जयपुर है लेकिन पूरे केस को दिखाया गया है और उस केस में चालान पेश किया जा चुका है। कोर्ट में केस है जी, कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर पूरा एक्शन लिया जा चुका है, उसमें चालान पेश किया जा चुका है और अभी हाल फिलहाल वो केस कोर्ट में है। बिल्कुल मनन जी, लेकिन आरोप जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि डीएम ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो अपने आप में ये वाकई चिंता की बात है। देखिए, जो मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है उन्होंने मुझे खुद ने ही ये बताया है कि उन्होंने एक्शन ले लिया है और वो चालान पेश किया जा चुका है, अब वो केस कोर्ट में है। वो उनका आपसी क्या मामला है वो एक अलग सिचुएशन है लेकिन कमीशन की तरफ से इस चीज को धो मोटा भी लिया गया और पूरा सारी जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल मामला कोर्ट में और आपने बात भी की है, हम इस बात पर उम्मीद करेंगे कि इंसाफ की जल्द हमें खबर मिले। लेकिन एक और गंभीर मामला है, जिस तरीके से सीधा बयान ही दिया गया है कि नोखा रेप का हब बन चुका है, ये परेशानी जरूर अभी इस बयान पर हम जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इस चीज को नहीं समझ पाती कि रेखा ये नोखा जो हब बन चुका है ये एक बहुत ही अजीब सी भाषा है जिसको
मैं खुद देखू कि उसमें कितने सारे ऐसे केसेस हो गए कि मर्द कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी जगह पे। अरे ये रेप केसेस के साथ हम शब्द सूट ही नहीं करता, बिल्कुल ये दर्द हो सकता है, चित्कार हो सकती है, ये चीख हो सकती है, लेकिन वहां पर कितने केसेस है और नौका में है तो हम उसको एसटी डॉक्टर के लिए बात करेंगे और उस जगह पे अलग से एक एक प्लानिंग के साथ में कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये शब्द ही मैच नहीं करता। मनोज जी एक और बात ये है कि यहाँ पर योगेंद्र जी ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में बातचीत की तो उन्हें प्रताड़ना सकता नहीं पड़ी, किस तरह की प्रताड़ना, क्या इस बारे में उन्होंने कोई बातचीत की?